दोस्तों स्वागत है सभी का। मैं शालिक मापरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही एक अद्भुत कहानी जो सफलता के बारे में आपकी सोच बदल के रख देगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की कहानी है विजेता मेंढक। बहुत पुराने दिनों की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उस सरोवर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा धातु का खंभा भी लगा हुआ था। खंबा काफी ऊंचा और उसकी सतह काफी चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया, क्यों ना एक रेस करवाई जाए और रेस में हिस्सा लेने वाले सभी मेंढकों को खंबे के ऊपर चढ़ना होगा। जल्द से जल्द जो खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा उसे ही रेस का विजेता माना जाएगा। रेस की तैयारी शुरू हुई, रेस का दिन आ पहुंचा। आसपास के इलाकों से बहुत सारे मेंढक रेस में हिस्सा लेने आ पहुंचे। बहुत सारी भीड़ जमा थी, चारों तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई लेकिन भीड़ में एकत्रित हुए किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि कोई भी इस रेस को पूरा कर पाएगा, कोई भी जो है तो उस खंबे के ऊपर पहुंच पाएगा। चारों तरफ यही सुनाई देता, अरे ये तो बहुत कठिन है, इतने चिकने खंबे पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है और सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं। और असल में हो भी यही रहा था, जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ी ऊपर जाकर फिसल जाता और नीचे आकर। कई मेंढक बार बार गिरने पर भी अपने प्रयास में लगे हुए थे लेकिन भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी कि ये असंभव है, ये बहुत ही कठिन है। और ये सुन सुनकर जो उत्साहित मेंढक थे वो भी हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन उन सभी मेंढकों में एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था और वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता गया और उस खंबे पर पहुंच गया और उस रेस का विजेता बन गया। उसकी जीत पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और सभी उस मेंढक को घेर कर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे किया, भला तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने की ये शक्ति कहाँ से मिली। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बह रहा है। जी हाँ वो तो बह रहा है। दोस्तों अक्सर हमारे अंदर भी हमारे लक्ष्य को पाने की काबिलियत होते हुए भी हमारे आजू बाजू में फैले हुए निगेटिविटी की वजह से हम खुद को कम आग बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा किए बगैर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों आवश्यकता तो इस बात की है कि हम हर उस आवाज के प्रति बहरे बन जाए जो हमें कमजोर करती है, हर उस दृश्य के प्रति हम अंधे हो जाए जो हमें कमजोर करती है, तो हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी दोस्तों कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।